अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपना फ्राइडे का रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई का जो है वीकेंड चेंज हो गया है, तो फ्राइडे अब हाफ डे होता है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो जल्दी जाते हैं ऑफिस सुबह में कि जल्दी आ जाएँ जुम्मा के टाइम तक। तो बस नाश्ते में जो है यहाँ मैं इनको पोस्ट एग दे रही हूँ। व्हेन इट कम्स टू एग, पोस्ट एग इज़ द हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट, जैसे कि इसके अंदर कोई भी अनवांटेड कैलोरी नहीं होती हैं। तो अगर आप डाइट कर रहे हैं तो फिर जो है ये वाला आपके लिए बेस्ट होगा। और साथ में जो है मैंने यहाँ पे ओट्स दी हूँ। ओट्स भी बहुत ही हेल्दी है, जैसे कि वो आपका पेट एकदम फुल रखता है लॉन्ग टाइम तक। तो आज का व्लॉग जो है आप बेसिकली कह सकते हैं कि डाइट स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि आज का लंच भी जो है वो ओवन में होगा। और चाय के बगैर तो हम इंडियंस का गुजारा ही नहीं होता। तो जी बस हस्बैंड चले गए हैं और बच्चे सारे उठ गए हैं और यहाँ पे जो है चाय वाय छान रही हूँ मैं। तो आरिस जो है ना वो अपने ही टाइम पे उठता है सुबह 7 बजे और बिल्कुल भी जो है वीकेंड में भी सोने नहीं मिलता है। तो सबका नाश्ता हो गया और ये चल रहा है मेरा नाश्ता। तो जैसे कि जो है आप लोगों को पता ही होगा कि नाश्ते में तो मुझे कड़क पाव मस्ट है। आज जैन जय मुर्गी का अंडा बना रहा है अपने लिए, जो हम लोग की मुर्गी ने अंडा दिया था वो वाला। अरे जैम दो दो इतना छोटा है कि दो बनाना पड़ रहा है। हाउ यू आर फीलिंग जैम? ला तेल भी नहीं गर्म होने दिए थे, पहले ही डाल दिए। ये पहले तेल को गर्म होना था। ओ माय गॉड, ये इतना येलो क्यों है? नमक डाले? अंडा आता है। अपन नेक्स्ट अंडा तुम खाओगे? तो यहाँ पे जो है एक राउंड में किचन का मार ली। तो जो है जब जाओ किचन में तो काम ही काम नज़र आ जाता है। तो यहाँ देखिए धनिया की पत्ती दिखी मुझे बहुत सारी, तो साफ़ करके धो के मैंने पेपर पे सूखने के लिए रख दी। और जब ये सूख जाएंगी तो इसको जो है मैं जाली वाले बास्केट में रख दूंगी, तो इससे जो है हवा भी लगती रहेगी और जो है वो धनिया की पत्ती ख़राब भी नहीं होगी और ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी। और साथ ही साथ जो है मुर्गियों का भी इंतज़ाम मैंने कर दी थी। तो जैसे मेथी की भी ना बहुत ज़्यादा जो है बंडल आ गया था हमारे घर में, तो जो उसकी डंठल बच जाती है ना इसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती हूँ और ये ज़बरदस्त सा मुर्गियों का खाना बन जाता है, एकदम जान दे के खाती हैं वो। तो बच्चे चले गए हैं जुमा पढ़ने के लिए और बस मैं सोची मैं भी जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने यही ड्रेस निकाली हूँ आज और ये मेरा फेवरेट कलर है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे मरहूम मामू जो हैं उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था जब मैं हज के लिए जा रही थी। अनदर चिकन लेड एग, यू कैन चेक। है ना? ओह माय गॉड, इसका कलर भी अलग है। ये सुबह वाला है। डिफरेंट कलर? या दिस इज डिफरेंट। ये सुबह वाला है और ये दूसरा। हाँ, ब्राउन ब्राउन चिकन। माय गॉड, या ऑफ कोर्स। अफान उठो, द चिकन आर आउटसाइड। ओह माय गॉड, ये कैसे ऐसे अलग अलग कलर है जी। ओह माय गॉड, ये तो टूट गया ना? नहीं नहीं, बच गया बच गया। लाओ दो, अब्बा को दिखाते हैं। तो आज खुशखबरी खुशखबरी है, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ही हमारी पहली मुर्गी ने अंडा दिया, देखते ही देखते नेक्स्ट डे दूसरी मुर्गियाँ भी जोश में आ गई और उन लोग ने भी दूसरी दो मुर्गी ने एक साथ अंडा दी। और सबसे बड़ी बात कि सब मुर्गी अलग अलग कलर का अंडा दे रही हैं। तो ये देखिए, ये पिंक कलर का अंडा है जो वाइट वाली मुर्गी ने दिया है, और ये ब्राउन अंडा जो है ना ये ब्लैक वाली मुर्गी ने दिया है, और ये देखिए तीसरा कलर, मुझे पता नहीं है आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा ना वाइटिश बेज कलर है। तो यहाँ तीन कलर के अंडे, पिंक है और ब्राउन है और जो है वाइटिश बेज कलर का है। तो तीनों मुर्गी अलग अलग कलर का अंडा दे रही है। लकड़ी के दरबे में अंडा देने के लिए लाइन लगी रहती है, एक आती है तो दूसरी जाती है, दूसरी आती है तो तीसरी जाती है। अब तो मुझे बस काम ही काम है कि बस जाओ अंडा निकालो, जाओ अंडा निकालो। ऐसा लगता है मुझे पोल्ट्री फार्म खोलना पड़ेगा, एकदम से मालकिन बन गई हूँ मैं अंडे की।
खाना बनाने से पहले ना मैं यहाँ ऑरेंज जूस निकाल ली थी, तो जैसे कि आप लोगों को पता है ऑरेंज जूस जो है वो रिच इन विटामिन सी है और उसके जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो अक्सर ज़ुकाम खांसी हो जाती है ना उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियंट होता है ये विटामिन जूस। तो मैं पहले ही बॉटल में भर के उसको फ्रिज में रख देती हूँ, जिसकी मर्ज़ी चाहे वो नाश्ते में पिए चाहे वो लंच के साथ पिए। उसके बाद जो है मैं यहाँ लहसुन कैसे प्रिजर्व करती हूँ ये मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो है अच्छे से लहसुन छिल के उसको साफ़ पानी से धो लेती हूँ। जब उसका पानी ड्रेन हो जाता है तो जो उसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं ना, जो छोटे छोटे जो रहते हैं, वो मैं कट कर लेती हूँ। एक भी स्प्राउट्स नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो वो सब निकाल के जब अच्छे से जो है सारा लहसुन क्लीन हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ कट करना है, तो एक पेपर बिछा के उसके ऊपर अच्छे से कपड़ा रख देती हूँ, मोटा सा टॉवल, और फिर सारे लहसुन जो है मैं उसके ऊपर बिछा देती हूँ। इन केस कि अगर कोई पानी या कुछ बचा है तो फिर जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर ज़रा सा भी पानी रहेगा तो फंगस लग जाएगा, और एक को फंगस लगा तो सारे लहसुन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से एक डेढ़ घंटा दो घंटे में सब सूख जाता है। अब जो है एक बॉक्स में मैं नमक डाल देती हूँ नीचे बेस पे, अच्छे से फैला देती हूँ, और उसके बाद जो है इसके ऊपर एक जो है टिश्यू रखूँगी, मोटा सा किचन टॉवल। तो इससे क्या होगा कि जो नमक है ना सारा जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद जो है जो आपके लहसुन सूख चुके हैं उसको जो है आप इसके ऊपर डाल दीजिए और इसको जो है एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। ये आराम से आपका 2 से 3 हफ्ता चलेगा, तो जब भी दाल बघारना होगा तो लहसुन छिलने का झंझट नहीं होगा। कौन है ये? नीचे आओ, ओ टर्न हो और टर्न हो, अब्बा को डराओ। आरिज इकलौता है जिसका फ्राइडे को स्कूल रहता है, तो बस मैं उसको स्कूल से जैसे ही पिक करके आई मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो आते ही सीधे मेरे हस्बैंड बैकयार्ड में गए जईम को लेके, और जो है यहाँ पे इन लोग नेनवा तोड़ रहे हैं। माशाल्लाह से नेनवा इतना ज़बरदस्त फल रहा है हम लोगों का कि हफ्ते में मतलब कितने हो जाते हैं कि बांटने की नौबत आती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना नेनवा काटने वाला, ये स्पेशल हम लोग लेके आए हैं ड्रैगन मार्ट से नेनवा काटने के लिए। दिखाओ आरिस, टूटू दिखाओ, टूटू ओ टूटू कितना मस्त लग रहा है। नहा ली? हाँ। नमाज पढ़ ली? नहीं। फलक की फूफी ने ये ड्रेस दिया था फलक को, अच्छा लग रहा है ना? जाओ नमाज पढ़ लो। अब जो है लंच बनाने के लिए किचन में मैं आ गई थी, तो ये देखिए शान का फ्राइड फिश मसाला, इतना ज़बरदस्त मसाला होता है ना कि इसमें नमक मिर्चा सब होता है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्पाइसी करने के लिए और मैंने यहाँ ब्लैक पेपर ऐड कर दी हूँ, और ये मिक्स्ड हर्ब्स आता है ना इससे थोड़ी अच्छी बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा होता है, वो थोड़ा सा ऐड कर दी, और चिली फ्लेक्स, और उसके बाद लेमू डालूंगी, 2 लेमू पूरा एकदम अच्छा जूसी। और ये लेमू तो पता ही होगा आप लोगों को, ये मेरे पेड़ का लेमू है, सब ऑर्गेनिक फार्म फ्रेश वाला मामला चल रहा है आजकल। और इसके बाद जो है ये गार्लिक, इसको जो है मैं गार्लिक क्रशर में जो है एकदम ज़बरदस्त फ्रेश क्रश करके डालूंगी, उससे जो है इसकी खुशबू एकदम अलग आएगी। पेस्ट नहीं डालना है, फ्रेश कूटा हुआ लहसुन डालना है। ये गार्लिक के ऊपर मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई हूँ, मस्ट हैव किचन टूल्स, अगर आपने चेक नहीं किया है तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी। और उसके बाद जो है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल कड़वा तेल, वो भी मैं डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं लेकिन ये डाल दें तो अच्छा रहता है। बस अब उसको अच्छी तरह से पूरे मसाले को मैं एक प्लेट में मिक्स कर लूँगी, और पानी वानी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग तेल डाले हैं तो वो अच्छे से बाइंड हो ही जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग ने फ़िश लिए हैं, वो कौन सी है, सी ब्रीम फ़िश है, कल ही जब फ्रेश फ्रेश फ़िश लेके आए हैं, तो बस उसको जो है अच्छी तरह से मसाज कर दूँगी। जो कट्स हैं ना वो फ़िश में ज़रूर से लगा दीजिएगा ताकि मसाला अंदर तक चले जाए, और अच्छे से मसाज कर दीजिए उसको अंदर बाहर ऊपर नीचे खोल के।
तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ने ना स्पेशली ओवन में जो है फिश ग्रिल करने के लिए इसी तरह की पूरी खड़ी फिश लिए थे, इसको पीसेस में नहीं कटवाए हैं। तो ये देखिए 3 पीस है, 2 वहाँ मैरिनेट हो चुका है और 1 को जो है मैं मसाला लगा रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटा ही बस मैं मैरिनेट करूँगी। और अगर आप ओवरनाइट करते हैं तो वाह बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए इसका गोश्त भी कितना फ्रेश है, एकदम पिंक और साफ सुथरी यहाँ मिलती है, एकदम साफ साफ करने का झंझट नहीं रहता है। बस पानी से लेमू लगा के धो देती हूँ, नमक और लेमू लगा के, और उसके बाद जो है ये बेहतरीन तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मरी हुई मछली। तो जब तक फ़िश मैरिनेट हो रही है यहाँ मैं कुछ दूसरी तैयारी कर लेती हूँ, कुछ वेजिटेबल्स जो हैं कलरफुल और उनको जो है मैं वॉश कर लेती हूँ। तो आज ग्रिल वेजिटेबल बनेगा और यहाँ जो है मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं किचन में हेल्प करने के लिए। तो वो जो है हरदम किचन में आते हैं उनको न्यू आइडियाज़ आने लगती हैं। तो जो है वो वुडन स्कूअर्स लेके आए हैं, कह रहे हैं कि आज इस तरह से लगा के ग्रिल करेंगे। तो इस तरह लगाने से ना क्या होता है कि जो फिश है ना वो सिकुड़ती नहीं है, वो इसी तरह से जो है स्ट्रेट रहती है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग ने ऊपर 2 और नीचे 1 फिश रख के ऑटो कुक का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। तो जब तक ये जो है फिश ग्रिल हो रही है यहाँ पे जो है मैं ग्रिल सैलेड की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू ली हूँ और उसको जो है कुछ लंबी लंबी काट ली हूँ और कुछ जो है राउंड, और उसके बाद जो है कैप्सिकम 3 कलर की, रेड ग्रीन और येलो। जब हम कुक करते हैं ना वेजिटेबल्स तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हफ्ते में 1 बार जो है कम से कम ग्रिल वेजिटेबल तो ज़रूर खाना चाहिए और ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे देखिए सारे वेजिटेबल्स कट हो गए हैं और इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल डाल दी हूँ और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और उसके बाद बस इसको मिक्स कर देना है। आपकी मर्ज़ी, आप और भी कोई वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं जैसे ब्रोकली या कुछ और तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको ओवन में ग्रिल करने के लिए मैं रख देती हूँ, क्योंकि उसमें फ़िश है इसलिए मैं इसको दूसरे वाले ओवन में डाल रही हूँ। तो ये देखिए विद इन 30 मिनट्स हमारा जो है यहाँ पे सब लंच रेडी है और जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ये देखिए फ़िश कितनी अच्छी ग्रिल हुई है, एकदम सौंधी, और यहाँ पे देखिए ऑरेंज जूस भी रेडी है और वेजिटेबल्स भी देखिए कितने अच्छे जो हैं ग्रिल हुए हैं। तो ये एक परफेक्ट मील है, इसके साथ चावल रोटी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बाल कटवा कटवा के आए। हेलो। लेकिन तुम इंसान लग रहे हो। ज़ैन कहाँ है? ज़ैन दिखाओ। ज़ैन दिखाओ। बाल देखना है ना, मुंह नहीं देखना। नहीं बाल नहीं, मुंह के साथ देखना है कैसे लग रहे हो। इंसान लग रहे हो यार, पीछे से दिखाओ। ओके एक और कहाँ है? ए दिखाओ। ये भी अच्छा लग रहा है बाल काट के। आरिस वो भी करवाएं? अब्बा क्या करवाएं? आरिस ने बाल कटवा लिए, दिखाओ अच्छे लग रहे हो। पीछे से दिखाओ। अब्बा अब्बा आप भी कटवाएं क्या दाढ़ी? अच्छा जाओ नहाओ सब लोग। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ मॉल आ गए थे शाम में, आरिस के लिए जो है ना वो फ्लिप फ्लॉप लेनी थी। तो वीकेंड पे जो भी छोटा मोटा बचा कुचा काम रहता है ना वो हम लोग निपटा लेते हैं। अच्छी लग रही है आरिस? कौन सी अच्छी लग रही है, स्पाइडरमैन वाली की वो सुपरमैन वाली? स्पाइडरमैन सुपरमैन वाली पहनाई ना थोड़ा। आरिस हमको तो ये अच्छी लग रही है। इसमें लाइट भी है? नहीं इसमें भी लाइट है, इसमें भी लाइट जलती है, देखिए इसमें भी लाइट जलती है, लेकिन इसमें अंदर जलती है यहाँ पे, यहाँ पे कोई चला गया। हाँ सुपरमैन वाली, सुपरमैन वाली। यहाँ पे ना एक बात बहुत अच्छी है कि जहाँ भी जाते हैं ना बच्चों को जो है बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो इन लोग मॉल में रखे ही रहते हैं। तो मीन टाइम जब तक मेरे हस्बैंड चप्पल देख रहे थे यहाँ अफान और आरिस भी बिजी थे टॉयज खेलने में। आरिस को देखिए
इतनी चप्पल इतनी प्यारी कि किसी को दे ही नहीं रहा है पकड़ने के लिए। ला हमको दे दो, हम दो हमको दे दो। अरे ला हम पहनेंगे थोड़ी, लाओ दे दो। तो शॉपिंग करके हम लोग घर की तरफ लौट ही रहे थे ना, कि यहाँ पे जो है मॉल में आरिस को दिखी डबल डेकर बस। और आरिस को इतना ज़्यादा क्रेज़ है डबल डेकर बस में बैठने का, क्योंकि वो बेचारा स्कूल भी जो है वो मैं ही उसको पिक एंड ड्रॉप करती हूँ कार से, तो आज तक वो बस में बैठा ही नहीं है। सिर्फ एक बार बैठा था जब हम लोग एक्सपो गए थे, तो डबल डेकर बस में यहाँ दिख गई तो मेरे हस्बैंड सोचे चलो उसको बैठा देते हैं, उसका ये शौक़ भी पूरा कर देते हैं। तो ये देखिए कितनी छोटी सी बस है, बस ये मॉल के अंदर ही चलती है और बड़े और बच्चे सब बैठ सकते हैं। Hello. How was it? Very good. Aris डरा? नहीं। Aris कैसा था? Aris कैसा था? हाँ? मजा आई? कौन सी बस है ये? डबल डेकर बस। अच्छा, पहले आरिस डर रहा था? नहीं नहीं। तो उसके बाद बस डिनर के लिए हम लोग फूड कोर्ट आ गए थे, तो फलक जो है अपनी फेवरेट पानी पूरी ऑर्डर की थी। वैसे तो उसके पेट में जगह नहीं होती, लेकिन पानी पूरी के लिए तो ज़बरदस्त जगह बन जाती है। और यहाँ पे जो है अफ़ान ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा हट से, तो जैसे ही उसका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा ये बज़र बजने लगेगा। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग आज यहीं तक था। ये था मेरे पूरा फ्राइडे का वीकेंड का रूटीन। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो शर्माइएगा मत, धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।